धर्मशाला में हो रही इन्वेस्टर मीट को लेकर बयानबाजी चरम पर है और इसी कड़ी में वरिष्ठ कांग्रेसी एवं पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने सवाल उठाए हैं। पठानिया ने साफ तौर पर कहा कि इन्वेस्टर मीट के बहाने बीजेपी बाहरी लोगों को हिमाचल की जमीन बेचने की फिराक है और धारा 118 को दरकिनार करने की साजिश है। धर्मशाला में हो रही इन्वेस्टर मीट को लेकर बयानबाजी चरम पर है और इसी कड़ी में वरिष्ठ कांग्रेसी एवं पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने सवाल उठाए हैं। पठानिया ने साफ तौर पर कहा कि इन्वेस्टर मीट के बहाने बीजेपी बाहरी लोगों को हिमाचल की जमीन बेचने की फिराक है और धारा 118 को दरकिनार करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर मीट के लिए पूर्व सीएम धूमल और अनुराग ठाकुर को नहीं बुलाने के चलते प्रदेश में बीजेपी और सरकार दो हिस्सों में बंट गई है। चाहे बीजेपी के नेता इसको नजरअंदाज कर बयान दे रहे हैं। कांग्रेस इसमें ये कहना चाहेगी कि जो इन्वेस्टर मीट है वो पूर्व में मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में उनका बेटा केंद्र में मंत्री है, वो तो सरकार का आदमी है, तो कम से कम उसको बुलाते। फिर इनका अपना अंदरूनी मामला है, ये किसको बुलाते हैं किसको नहीं बुलाते हैं ये जाने। लेकिन ये जो नहीं बुलाने का मतलब ये है कि बीजेपी में और भाजपा की सरकार में दो हिस्सों में बंटी हुई आजकल ये भाजपा चली हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती के बयान पर पलटवार करते हुए कुलदीप पठानिया ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में प्रदेश में उद्योग लगवाए हैं और प्रदेश के नालागढ़, बद्दी, सोलन और ऊना में उद्योग लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम झूठ बोलना है और बीजेपी के नेता झूठ बोलने में माहिर हैं। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर मीट का कांग्रेस विरोध नहीं करती है और बीजेपी पिछली बीजेपी सरकार के समय में सोलन में 10 यूनिवर्सिटियों को बेचा गया था। अब कांगड़ा की जमीन को इन्वेस्टर मीट के बहाने बेचने की तैयारी की जा रही है। मेरा एक कहना है कि इन्वेस्टर मीट यहाँ से करो, इन्वेस्टर मीट का जो है या उद्योगों का लगाने के लिए कांग्रेस कभी विरोध नहीं करती है। कांग्रेस हम भी अपने समय में लोगों की जरूरतों को देखते हुए यहाँ के उद्योग लगाए हैं, चाहे नालागढ़ में है, परभाणु में है, हरोली में है, बद्दी में है, मंडी में है, हमीरपुर में है, तो हम इसका विरोध नहीं करते हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं कि 118 के तहत भाजपा ने जो इस हिमाचल को सेल करने का जो एक प्रयास करने जा रही थी वो उनसे सेल नहीं हो चुका। तो ऐसा ना हो कि जैसे पिछली सरकार ने इनकी सरकार के वक्त 10 यूनिवर्सिटियाँ सोलन में ली और वहाँ की जमीन सेल की, उसी के उसको नज़र में रखे हुए अब कांगड़ा की जमीन को इन्वेस्टर मीट के बहाने में बेचा जाए और लोगों को यहाँ रिजॉर्ट बनाने के लिए रखा जाए ताकि 118 की बात बनी होगी और इसके बहाने में वो इनके जो अपने चहेते उद्योगपति हैं वो उनको यहाँ सेटल किया जाए। इंडस्ट्री है तो यहाँ की जो हिमाचल बेस्ड जो चीज़ें हैं अगर उससे वो इंडस्ट्री लगती है, जैसे चीड़ की पत्तियाँ हैं या मक्की का कोई उद्योग है या मसालों का कोई उद्योग है जो हमारे लोगों को उसकी जो है उसको कीमत मिले और यहाँ के लोगों को उसका जो फायदा हो, तो ये इस बात को ठीक है। लेकिन जिस तरह के इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं तो जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के हम नाम ढूंढ रहे हैं वो पता नहीं कौन सा उद्योग लगाएंगे और कहाँ उसको बेचें, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, कहाँ मार्केट लेंगे। लेकिन इसके पीछे इनका एक ही है कि 118 के तहत उन लोगों को जमीन नहीं दे सके तो इन्वेस्टर मीट के बहाने उन लोगों को यहाँ रिजॉर्ट बनाने के लिए जमीनें दी जाएंगी।